Hello guys, hi, welcome to Roy Digital and this is Rishikesh Roy, your digital marketing trainer and friend. So guys, आज इस सेशन में हम करने वाले हैं Google AdSense. Google AdSense होता क्या है? आप लोगों ने बहुत बार इस क्वेश्चन को मुझसे पूछा है. तो गाइज, Google AdSense एक ऐसा प्लेटफॉर्म है Google का, जहां से Google आपके बनाए पब्लिशिंग अकाउंट पे, चाहे वो आपका ब्लॉग हो, चाहे आपकी वेबसाइट हो या फिर आपके यूट्यूब चैनल हो, गाइज उसमें गूगल एड्स रन करता है और उस एड से रेवेन्यू जो जनरेट होता है गूगल को, वो आपके साथ शेयर करता है. तो गाइज, गूगल एडसेंस एक बहुत अमेजिंग काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म है, जहां से आप अच्छा खासा वाइट में विदाउट एनी ये वो सेल या फिर लीड जनरेट करके आप सिर्फ अपने ब्लॉग से अर्न कर सकते हो विद गूगल एडसेंस. आज मैं आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं कराऊंगा, बट इसका थ्योरी जो है वो भी इंपॉर्टेंट है समझना, और उस थ्योरी पे आज हम बेसिकली बात करेंगे. तो गाइज, आइए चलिए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे, सो दैट मैं आपको गूगल एडसेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता सकूं जो कि आपको ध्यान देना जरूरी है. अदरवाइज आप गूगल एडसेंस को इतनी अच्छी तरीके से नहीं समझ पाओगे और जिस दिन प्रैक्टिकल करना होगा उस दिन कर भी नहीं पाओगे. तो गाइज, आइए चलिए शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर सेशन. जैसे मैं गूगल पर जाता हूँ और मैं कुछ भी सर्च करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हाउ टू लूज वेट, और हाउ टू लूज वेट पे इतने सारे जो आर्टिकल्स हैं ये रैंक कर रहे हैं. आप देख रहे हो कि ये जो सारे रिजल्ट्स हैं ये रैंक कर रहे हैं. अब इसमें से मुझे क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक रैंडम आप मैं क्लिक कर रहा हूँ कि मुझे आर्टिकल पढ़ना है लूज वेट पे. अब लेट्स गो एंड स्टार्ट रीडिंग इट. मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि मेरे पास लूज वेट के ऊपर क्या क्या कंटेंट है. तो गाइस, ये जो कंटेंट आप देख रहे हो इसमें बताया गया है कि लूज वेट क्या होता है. अब ये कोई एक ब्लॉगर ही है डेफिनेटली जो कि आर्टिकल्स लिखते हैं. अब आर्टिकल जो लिख रहे हैं तो वो किस लिए लिख रहे हैं, कि लोग इसको पढ़े और लोग उनके आर्टिकल्स को अप्रिशिएट करें, बिकॉज इतना अच्छा कंटेंट कोई अगर दे रहा है तो उसकी एक वैल्यू मार्केट में होनी चाहिए. दैट इज द नंबर वन थिंग. एक ब्लॉगर का जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है ब्लॉग लिखने का, वो यही होता है कि उनके आर्टिकल्स को लोग प्रेज करें. तो राइट नाउ आई कैन सी दैट कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा आर्टिकल लिखा गया है जिसमें ये सारी चीजें वन बाय वन मेंशन की गई है. बट अब मैं उसके अलावा आता हूं कि गूगल एडसेंस क्या होता है. गाइस, गूगल एडसेंस ये होता है, कैन यू सी दैट इस पर्टिकुलर पेज में यू कैन सी दैट देयर आर फ्यू एड्स आर रनिंग व्हिच इज नोन एज एड्स बाय गूगल. दिस इज अगेन एड्स बाय गूगल एंड देयर आर फ्यू मोर एड्स बाय गूगल, एड्स बाय गूगल. तो ये पता है क्या है गाइस, ये है, दिस इज टाई अप बिटवीन यू लाइक एज अ कंटेंट क्रिएटर एंड गूगल. ये गूगल और आपके बीच का टाइप है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहता हूं कि गूगल के एड्स मेरे भी साइट में रन हो सो दैट मैं अपने साइट को मोनेटाइज कर पाऊं, तो गाइज उसे कहते हैं गूगल एडसेंस. नंबर वन इस वर्ल्ड का जो सबसे बेस्ट तरीका है. आपके पास बहुत सारे अदर तरीके हैं अपने ब्लॉग को, अपने साइट को मोनेटाइज करने का, बट गूगल एडसेंस उसमें से सबसे सर्वोपरि है. मतलब दैट इज अ सुपीरियर. गूगल एडसेंस से होने वाली अर्निंग से लोग बहुत ज्यादा लाइक अर्न करते हैं, बहुत ज्यादा इनकम जनरेट करते हैं, रेवेन्यू जनरेट करते हैं, यू कैन से दैट. इसके अलावा और भी जितने भी छोटे मोटे हैं प्लेटफॉर्म्स, ऑफकोर्स वहां से भी होता है, बट नॉट एज लाइक गूगल. तो गूगल से आपको दोस्ती करनी है गाइस, गूगल एडसेंस से दोस्ती करनी है और इसको अच्छी तरह समझना है कि कैसे होता है. तो इस तरीके कुछ एड्स आपके साइट में गाइस चलेंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे इस साइट को मोनेटाइज करने के लिए, क्योंकि इस साइट में आपने कहीं भी कुछ देखा है कि एनीथिंग दे आर सेलिंग. फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर जाऊंगा तो आई वोंट फाइंड एनीथिंग लाइक दे आर सेलिंग. दे आर जस्ट गिविंग प्योरली एन आर्टिकल. मुझे आर्टिकल दिया जा रहा है बस, और मुझे कॉन्टेंट दिया जा रहा है. इसका मतलब इस साइट को अर्न करने के लिए कोई एक जरिया चाहिए, और वो जरिया है गूगल एडसेंस. वन ऑफ द बेस्ट जरिया है गूगल एडसेंस, जिसमें क्या होगा कि जब भी इस एड को कोई क्लिक करेगा तो गूगल अपना रेवेन्यू शेयर इस पर्टिकुलर साइट के साथ शेयर करेगा. अब वो कितना होता है मैं आगे बता दूंगा, बट अभी तक मैंने आपको सिर्फ ये समझाने के लिए गूगल एडसेंस का एक थ्योरी बताया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट गाइस, इफ आई विल गो टू YouTube, ऑफ कोर्स YouTube में आप जाते हो तो आपको दिखता है वहां पर बहुत सारे एड्स रन होते हैं. नंबर वन यू कैन सी दैट दिस इज एन एड, अगेन ये एक एड है. बट इफ आई टॉक अबाउट कि मैं किसी भी एक वीडियो को अगर यहां पर ओपन करूंगा, देयर विल बी एन एड. लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स ओपन दिस एंड दिस इज द फर्स्ट थिंग व्हिच यू हैव सीन इज योर एड. कैन यू सी दैट गाइस, अब मैं इसको स्किप कर दूंगा. So, ये जो था ये एड था, और इसके लिए एडसेंस की जरूरत पड़ती है. अगर एडसेंस नहीं होगा तो दिस एड विल नॉट बी देयर इन योर यूट्यूब वीडियोस, अगर आप यूट्यूब क्रिएटर हो तो. दिस इज अगेन एन एड, यू कैन सी दैट दिस इज थ्रू अगेन गूगल. एंड दिस टाइप ऑफ थिंग ओनली कैन बी पॉसिबल व्हेन देयर इज एन एडसेंस, एन एक्टिव एडसेंस यू आर हैविंग, देन ये पॉसिबल है, वरना ये पॉसिबल नहीं है. आई होप गाइस अभी तक एडसेंस की थ्योरी जो है वो आपको क्लियर हो गई है. नाउ लेट्स बिगिन विद,
अब गाइज गूगल एडसेंस कैसे आपको हेल्प करता है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर जिक्र कर दूँ। ओके सो गाइज फॉर एग्जाम्पल आपके साइट में डेली 1000 ट्रैफिक आता है। अब इस 1000 ट्रैफिक मैं थोड़ा सा कैलकुलेटिव वे में आपको समझा रहा हूँ कि हाउ इट कैन हेल्प यू। 1000 ट्रैफिक में आई कैन से दैट कि आपके साइट में जो टोटल एड्स चल रही हैं उन एड से टोटल 1000 में से आई कैन से दैट 50 लोगों ने आपके एड पे क्लिक कर दिया। जो भी एड्स रन हो गई हैं उस पे क्लिक हो गया। मैं यहाँ पर अच्छे से लिख देता हूँ एड क्लिक्स। 1000 ट्रैफिक में से 50 अगर आपके एड क्लिक्स आ रहे हैं तो गाइज इसका सीधा बेनिफिट क्या हुआ कि उस एड से होने वाला जो भी अर्निंग हो रही है गूगल को, अर्निंग फॉर गूगल, सो गूगल विल शेयर दैट रेवेन्यू विद यू। अभी उस शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, शेयरिंग रेशियो यहां पर रहेगा 60-40। 60 विल बी द कॉन्टेंट ओनर, जिसके कंटेंट के अंदर वो क्लिक आया। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर किसी एक एड को क्लिक कर दूं तो इसका कंटेंट ओनर जो है वो ये साइट है, तो इस साइट को मिलेगा 60। ओके 60 मिलेगा और 40 गूगल विल कीप इट, गूगल अपने पास 40 रखेगा और 60% आपको देगा। अब 50 एड से मान के चलो कि पर एड का गूगल को अर्निंग हुई 10 रुपीज पर क्लिक, तो टोटल यहां पर कितना होगा गाइस, 50 × 10 इज इक्वल टू 500। तो 500 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाय 100 कर दो तो गाइज ये जो कैलकुलेशन आएगा ये आपका रेशियो रहेगा, ये आपका पार्ट रहेगा, 500 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाय 100। तो गाइज 300 रुपीज इज योर अर्निंग फ्रॉम दिस, रुपीज 300 आपको 1000 ट्रैफिक से 300 रुपीज का अर्निंग होगा। सो गाइज ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया कि 50 क्लिक्स, शायद ये 50 की जगह 150 हो, शायद ये 200 हो, 100 हो, ठीक है। अभी सिर्फ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप इतना डेली का अर्न करोगे अगर आपका डेली का 1000 ट्रैफिक है तो। ये होता है गूगल एडसेंस। आई होप गाइस अभी तक आपको सो फार ये चीजें क्लियर हो गई हैं। अगर क्लियर हो गई है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि आगे जो भी हम करेंगे दैट विल बी रिक्वायर्ड। गाइस अब मैं नेक्स्ट चीज बताने वाला हूं, अब आपको गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कैसे करना है। गूगल एडसेंस एप्लीकेशन इसके लिए अप्लाई करना होता है गाइस। अब देयर आर सम पैरामीटर्स, द बेसिक पैरामीटर्स जिसके ऊपर आपको गूगल एडसेंस मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं है कि आप गूगल एडसेंस कोई भी ले सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गूगल बहुत ज्यादा क्वालिटी चेक करता है कि किसी भी वेबसाइट को ये अपॉर्चुनिटी देना कि उसके साइट पे वो मोनेटाइज कर सकता है विद द हेल्प ऑफ गूगल एड्स, इट्स अ बिग थिंग। तो इसके लिए डेफिनेटली गूगल क्या करता है, बहुत ज्यादा क्वालिटी चेक्स के बाद ही किसी को अप्रूव करता है एप्लीकेशन फॉर दिस गूगल एडसेंस। अब गूगल एडसेंस अप्लाई करने से पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है गाइज, वो बेसिक पैरामीटर्स मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, लेट मी जस्ट हेल्प यू लाइक दिस। सबसे पहले आपके पास एक एक्टिव वेबसाइट होनी बहुत जरूरी है। विदाउट एक्टिव वेबसाइट मतलब ऐसा है कि आप वेबसाइट बनाने वाले हो उससे पहले अप्लाई कर रहे हो, डेफिनेटली इट विल नॉट बी अप्रूव्ड। तो आपके पास एक एक्टिव वेबसाइट होनी जरूरी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग गाइज, आपके साइट में मिनिमम 30 ब्लॉग्स होने चाहिए। 30 ब्लॉग्स मतलब 30 कंटेंट आपकी साइट में, 30 आर्टिकल्स मिनिमम होने चाहिए आपके ब्लॉग में, एंड दैट ऑल ब्लॉग शुड बी यूनिक। ऐसा नहीं है कि वो कॉपीड होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, यूनिक कंटेंट आपकी साइट में होना चाहिए। और आपकी साइट ऐसा कुछ भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है गाइज, ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ दिस इज नॉट मैंडेटरी, बट अगर ये रखोगे तो आपके चांसेस 95% हो जाएंगे कि यस आपका जो अप्रूवल है वो यस हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 5% फिर भी चांस, मैंने देखे हैं बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि स्टूडेंट्स आर सेइंग कि सर ये सारी चीजें हैं फिर भी नहीं हुआ। तो वो डिपेंड करता है कि जो आपकी साइट का क्वालिटी चेक कर रहा था उसने और क्या क्या देखा, तो उसका वो रिप्लाई कर देता है कि आपके में ये कमी है, आप दोबारा अप्लाई कर सकते हो। एक बार रिजेक्ट हो जाते हो उसके लिए डिमोटिवेट नहीं होना है, अब दोबारा से अप्लाई कर सकते हो एंड दोबारा वो चीज आपको मिल सकती है। तो ये सारी चीजें मैंने खुद एनालाइज किया है कि ये चीज अगर होती है किसी वेबसाइट में तो गूगल इजिली आपको अप्रूव कर देता है। तो यूनिक कंटेंट होना जरूरी है, प्लस जिस दिन भी आप अप्लाई कर रहे हो उस दिन तक आपकी साइट में कोशिश करना 500 यूनिक विजिटर्स
होने चाहिए तब तक, मतलब इन टोटल मैं कह रहा हूँ आपको 500 यूनिक विजिटर्स, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट को एक महीना हो गया है और एक महीने में मैंने 30 ब्लॉग्स लिख दिए और 500 यूनिक विजिटर्स एक महीने तक आ चुके हैं, अब आई एम एलिजिबल टू गो फॉर दिस एडसेंस अकाउंट। सो गाइस ये कुछ चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आपका जो चांसेस है एडसेंस अप्रूवल का वो बढ़ जाएगा, एंड आई वुड से कि आप ये चीज फॉलो करोगे। तो ये बेसिक चीजें थी जो आपको ध्यान रखनी है बिफोर अप्लाइंग फॉर गूगल एडसेंस। नाउ लेट्स बिगिन विद कि गूगल एडसेंस के लिए हमें करना क्या है। तो ये अभी तक की सारी थ्योरी थी गाइस, इन थ्योरी का ध्यान रखते हुए आप आगे बढ़ सकते हो। अब मैं आपको ले जाना चाहूंगा सीधा जहां से आप अप्लाई करोगे, दैट इज adsense.google.com। नाउ adsense.google.com एज यू कैन सी दैट कि ये बहुत अच्छा सा एक इन्होंने ऑप्शन दिया है आपको, जहां पर आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल जाके साइन अप करना है फॉर द फर्स्ट टाइम, और उसके बाद तो ऑल टाइम आपको साइन इन करना है। जैसे ही आपका अप्रूवल आ जाता है आपको सिर्फ साइन इन करना है और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर आप देख रहे हो गाइस, यहाँ पर मुझे साइन अप का एक ऑप्शन मिल रहा है, क्लिक ऑन दिस साइन अप बटन, एंड वंस आफ्टर दिस साइन अप डन, साइन अप के टाइम पे आपको कुछ चीजें ये बेसिक्स पूछेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल योर वेबसाइट, यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट जो है वो मेंशन कर देना। फॉर एग्जाम्पल इन माई केस रॉय डिजिटल की साइट एक बिजनेस साइट है और बिजनेस साइट पे डेफिनेटली मैं मोनेटाइज नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि बिजनेस साइट को मोनेटाइज नहीं करना चाहिए। व्हाई? बिकॉज वहां पर बहुत अनप्रोफेशनल लगेगा, किसी और की एड मेरी वेबसाइट में चलेगी जहां पर मैं खुद ट्राई कर रहा हूँ बिजनेस लाने की। तो डेफिनेटली आप बिजनेस साइट पे कभी भी मोनेटाइज नहीं करोगे या एडसेंस एड नहीं चलाओगे। बट मैं आपको ये एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। हियर यू नीड टू पुट योर ईमेल एड्रेस, फॉर एग्जांपल व्हाटएवर द ईमेल एड्रेस यू हैव यू नीड टू पुट इट हियर, एंड देन उसके बाद ये खाली यस कर दो, बस दैट्स इट। यस सेंड मी कस्टमाइज हेल्प एंड परफॉर्मेंस कर देना, ताकि उससे क्या होगा कि गूगल आपको अच्छे अच्छे ईमेल्स भेजता रहेगा कि कैसे और इम्प्रूव करें। नाउ नेक्स्ट क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। नाउ यू कैन सी दैट गाइस, अब जो मेन चीज है वो ये है कि आपको अकाउंट क्रिएट करना है। तो इसने पूछा है आपको जो कंट्री आप बता दो, फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज माई कंट्री, जो कि आपके केस में भी होने वाला है, एंड ये टर्म्स एंड कंडीशन को करना है एक्सेप्ट, एंड देन क्लिक ऑन क्रिएट अकाउंट। द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन क्रिएट अकाउंट, अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है गाइस। स्टेप क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये चीजों की जरूरत नहीं है मुझे, एंड नाउ यू कैन सी दैट गाइस, यहाँ पर ये सारी चीजें आपका जो है इसको एडिट करना है, और एडिट करने के बाद नेम एड्रेस टाइप अकाउंट टाइप बिजनेस, and then Roy Digital, whatever you have, address you need to put it here, then New Delhi, pin code आपको यहाँ पर देना है, and then click on submit. So, payment address details. ये payment address details किस लिए है, क्योंकि आपका अगर जो भी payment बनेगा वो किस account में आएगा, that is what they are asking. So, now click on submit. जैसे हमने submit कर दिया guys, अब ये जो code है, this is most important guys, ये जो code मिला ना आपको, अब ये code आपको अपनी website में header पे insert करना है. It's clearly saying copy the code below, paste it into the HTML of your https://roydigital.in between head section. हेड सेक्शन के अंदर कॉपी कैसे करना होता है मैं आपको वो बताया था। सबसे पहले गाइस कोड को करो कॉपी, कॉपी करने के बाद यू नीड टू गो टू योर साइट, आपका जो भी साइट है आपको उसमें जाना है, साइट का जो भी आपका वर्डप्रेस डैशबोर्ड है उसे ओपन करो, एंड ओपन करने के बाद यू नीड टू सिंपली गो टू अपियरेंस, यू नीड टू गो टू अपियरेंस एंड देन थीम एडिटर, एंड देन थीम एडिटर में गाइज यहां पर आपको दिखेगा हेडर ऑप्शन, हेडर, कैन यू सी दैट हेडर पीएचपी। बहुत ध्यान से काम करना गाइज, यहां पर गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है, यहां पर कोई भी चीज डिलीट नहीं होनी चाहिए। आपको क्या करना है, जो लाइन खाली है यहां से एक एंटर देना है एंड पेस्ट करना है पूरा कॉपी, एंड देन क्लिक ऑन अपडेट फाइल, दैट्स इट। द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन अपडेट फाइल, योर पीएचपी कोड चेंजेस वर रोल्ड बैक ड्यू टू एन एरर। ओके, लाइन 38 में कुछ एरर बता रहा है, लाइन 38 जहां से मैंने इसको लिया है तो ये एरर बता रहा है, क्योंकि मैंने इसको शायद ऐसा नहीं किया था, वो थोड़ा सा राइट तरफ इंक्लाइंड हो गया था। ओके, गाइस कुछ तो एरर है, सिंटेक्स एरर। तो ये एरर क्यों आ रहा है ये एक बार मैं चेक कर लूंगा, बाकी गाइस प्रोसेस यही है, आप अपने इस केस में करना, ये एरर बिल्कुल भी नहीं आएगा। सो गाइस आप, मैं इसको डिलीट करता हूँ या फिर से मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। Now there will not be any error, क्योंकि जो भी था वो बैक टू बैक मेरा आ गया। प्रोसेस यही है गाइस, जैसे ही आपका ये एक बार हेडर में आप अपना ये पेस्ट कर दोगे, आई हैव पेस्टेड द कोड एंड क्लिक ऑन डन, डन करने के बाद आपकी जो वेबसाइट है वो वेरीफाइड हो जाएगी। द मोमेंट इट विल बी वेरीफाइड,
देन गाइज उसके बाद कुछ भी नहीं है, योर जॉब इज डन। आप गूगल क्या करेगा, आपके वेबसाइट में आएगा, रिव्यू करेगा कि योर वेबसाइट इज एलिजिबल एज पर दिस नॉर्म्स आर नॉट, जो नॉर्म्स मैंने आपको बताए हैं। अगर उसको लगा कि एवरीथिंग इज ऑल गुड एंड योर साइट इज गुड टू गो फॉर दिस एडसेंस अकाउंट, दे विल गिव यू अ मेल विद इन 24 आवर्स। बोलते 48 आवर्स है बट मैंने देखा है मैक्सिमम 24 आवर्स के अंदर आ जाता है, और वो आपके लिए बहुत सुनहरा दिन होगा जिस दिन आपके पास ऐसा मेल आएगा कि योर एडसेंस अकाउंट इज अप्रूव्ड। बस दैट्स इट। उसके बाद तो गाइज आपके साइट में आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाके सिर्फ एक और कोड लगाना है जो कि आपका एड कोड होगा। एड कोड कैसे लगाना है गाइज, उसके लिए मैं आपको एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड वीडियो पर प्रोवाइड करूंगा विच विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, एंड उस पर्टिकुलर वीडियो को देख के आप अपने एड अपने साइट पर लगा सकते हो। बट अप्रूवल के लिए जो मेन जो आपका पूरा प्रोसीजर था वो ये था, इसके बाद आपका जो गूगल एडसेंस अकाउंट है वो अप्रूव हो जाएगा। तो गाइस आपने देखा गूगल एडसेंस का ये पार्ट वन था, और पार्ट टू भी हमने आपके लिए ऑलरेडी पब्लिश कर दिया है, तो प्लीज इसका पार्ट टू भी जरूर देखना। और दोनों पार्ट देखने के बाद आपको गूगल एडसेंस की अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी, जिसको आप यूज करके आराम से गूगल एडसेंस से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेरीज हैं उनको सॉल्व कर सकते हो। तो गाइस आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, और नेक्स्ट पार्ट भी इसका जरूर देख लेना ताकि आपको गूगल एडसेंस अच्छे से समझ आ जाए। तो गाइस दैट्स ऑल फॉर द डे, एंड आई होप यू आर एंजॉयिंग आवर वीडियोस। टिल देन गाइस हैव अ नाइस डे, बाय बाय।